नमस्कार, मैं परम सर अभिनव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हमारा सेशन एमएस ऑफिस अपन पढ़ रहे थे और एमएस ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी अपन आज बात करेंगे। जो एमएस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर आता है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं। हमने पहले वाले इससे पहली वाली क्लास में चर्चा की थी कि भाई जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कैसे कैसे इसकी स्थापना की, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके इंट्रोडक्शन की हमने बात की थी। आज अपन जो पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड की बात करेंगे। तो एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनाए जा रहे हैं, तीसरे होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की रिपेयरिंग कर रहे हैं, उसकी सर्विस कर रहे हैं, जैसे एंटीवायरस, तो वो आ गया किसमें, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर? तो जो एमएस जो वर्ड है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब ये काम क्या करता है एमएस वर्ड, टाइपिंग से संबंधित कार्य, प्रिंटिंग से संबंधित कार्य। अगर आपको कोई टाइप करना हो, कोई बुक टाइप करनी हो, कोई लेटर टाइप करना हो, उसके लिए काम में लिया जाएगा एमएस वर्ड। क्लियर यहां तक? ठीक है, टाइपिंग से संबंधित कार्य, प्रिंटिंग से संबंधित कार्य आदि कार्य किए जाते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब इसमें केवल वर्ड, मुख्यतः इसमें वर्ड पे ही काम किया जाता है, तो इसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एमएस वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अब कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो एमएस वर्ड के जैसा ही कार्य करते हैं, मतलब उनमें भी आप टाइपिंग से संबंधित कार्य कर सकते हो, लेटर टाइप कर सकते हो, प्रिंटिंग कर सकते हो। तो ऐसे कई सॉफ्टवेयर और हैं, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं निम्न वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, निम्न वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं अपन, वन बाय वन चर्चा करेंगे इनकी। तो सबसे पहला जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा एमएस वर्ड, ऐसे ही गूगल कंपनी का, ठीक है, गूगल डॉक्स कौन सी कंपनी का है, गूगल जो कंपनी है उसका जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो गूगल डॉक्स है। ऐसे ही एप्पल कंपनी का, ठीक है, पेजेज कौन सी कंपनी का है, एप्पल कंपनी का। ऐसे ही लिब्रा
ठीक है, लिब्रा कंपनी का है राइटर, राइटर कौन सी कंपनी का है, लिब्रा ऑफिस कंपनी का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लिब्रा ऑफिस पूरा नाम है इसका, जैसे एमएस ऑफिस है उसी प्रकार लिब्रा ऑफिस कौन सी कंपनी का है, उसका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, राइटर, ठीक है। आईबीएम कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी लोटस, ठीक है, आईबीएम कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है लोटस। और अन्य की बात करें अपन इसमें, ठीक है, और अन्य की बात करें जैसे नोटपैड, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जो वर्ड प्रोसेसिंग आता है नोटपैड, नोटपैड, ठीक है, विंडोज ओएस के साथ में आता है भैया ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है नोटपैड। एक और होता है वर्डपैड, वर्डपैड ये भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य किया जाता है इसमें भी, वर्डपैड ये भी विंडोज ओएस कंपनी का ही है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है। तो ये निम्न वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहां से सवाल पूछे ही जाते हैं कि भाई कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंटेशन का कार्य, टाइपिंग का कार्य किया जाता है, ठीक है। अब अपन यहां जो पढ़ रहे हैं चर्चा, इन सारे सॉफ्टवेयर को नहीं पढ़ेंगे अपन, आपके जो सिलेबस में है वो एमएस वर्ड, ठीक है, उसी की चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। तो एमएस वर्ड को ही स्टार्ट कर लेते हैं अपन, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में जो बनने वाली फाइल है, जो एमएस वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें बनने वाली फाइल कहलाती है डॉक्यूमेंट फाइल। एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल कई बार पूछा हुआ है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है, डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। एमएस वर्ड में जितनी भी फाइल बनेगी वो डॉक्यूमेंट फाइल ही कहलाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं इसकी। एमएस वर्ड एक्सटेंशन की बात करें, एक्सटेंशन से यहां अर्थ है कि वह किसी फाइल का प्रकार, उसका फॉर्मेट बताता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। तो अपन एक्सटेंशन की यहां चर्चा कर ले, यहां से सवाल बहुत आते हैं भाई कि एक्सटेंशन क्या होता है, किसी फाइल का प्रकार, किसी फाइल का प्रकार या फॉर्मेट, किसी फाइल का प्रकार या फॉर्मेट क्या कहलाता है, उसका एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं आपको एक्सटेंशन की, जैसे हमारे पास ये फाइल है abc.mp3, ऐसे ही एक फाइल है xyz.mp4, ऐसे ही एक फाइल है acb.docx। अब ये जो डॉट से जो भाग अलग हो रहा है, आपको फाइल के नाम के आगे एक डॉट से जो भाग लास्ट में पृथक हो रहा है, ये वाला, इससे इस फाइल की पहचान की जा रही है कि भाई ये साउंड की फाइल है, ठीक है, ये साउंड की फाइल है, क्योंकि इसका एक्सटेंशन क्या है, .mp3। आपने कैसे पहचाना इसे, इसके एक्सटेंशन नेम से। ऐसे ही .mp4 पता चल रहा है ये वीडियो फाइल है, आपने कैसे पहचाना इसे, इसका जो एक्सटेंशन नेम है इससे आप पहचान रहे हो। लास्ट जो है कि .docx ये डॉक्यूमेंट फाइल है,
डॉक्यूमेंट फाइल है, मतलब वर्ड की फाइल है भाई, ठीक है, क्योंकि वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .docx होता है। अभी अपन बात करेंगे कि भाई किसी फाइल का प्रकार बता रहा है, किसी फाइल का टाइप बता रहा है कि वो फाइल किस प्रकार की है, किस फॉर्मेट की है, तो आपको किससे पता चल रहा है, उसका एक्सटेंशन से, ठीक है, एक्सटेंशन। तो ये ध्यान में रखना है, सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि भाई किसी फाइल का प्रकार, उसका टाइप क्या हो गया, एक्सटेंशन। एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन, एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन की बात करें, भाई एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसके जो एक्सटेंशन थे 2003 तक तो अलग एक्सटेंशन था, और 2003 के बाद एक्सटेंशन बदल गया, ठीक है, डॉट डीओसी 2003 तक तो ये था, जब हमने वर्जन पढ़े थे, इसके संस्करण पढ़े थे कि भाई 2003 तक तो कौन सा था, डॉट डीओसी। फिर कंपनी ने क्या किया कि जो ये एमएस वर्ड की जो फाइल है डॉक्यूमेंट, ये इंटरनेट पे आसानी से नहीं चल पाती थी, इसके लिए इस प्रोग्राम में सुधार किया गया और फाइल एक्सटेंशन में एक एक्स और ऐड कर दिया गया, डॉट डीओसीएक्स, ये 2007 से लागू किया गया, 2007 से लागू किया। तो एमएस वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन है डॉट डीओसी वर्तमान में कौन सा है, डॉट डीओसीएक्स, यानी एमएस वर्ड में जो बनने वाली फाइल है उसका एक्सटेंशन होगा डीओसीएक्स। एक्स क्यों लगाया गया, क्योंकि ये फाइलें, एक्स क्यों लगाया गया, एक्स इसलिए लगाया गया कि ये जो फाइलें है इंटरनेट पर आसानी से चल सके, इंटरनेट पर आसानी से चल सके, ठीक है ना, इंटरनेट पर आसानी से चलने के लिए ये एक्सटेंशन लगाया गया भाई, कि उसमें एक्स और ऐड कर दिया गया। तो कई एग्जाम में सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मिक्स में भी पूछा जाता है कि भाई 2003 में क्या था, अधीनस्थ बोर्ड का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, अभी 2021 में इतनी बार पूछा गया कि भाई एक्सटेंशन वर्ड का क्या है, एक्सेल का क्या है, अपन एक्सटेंशन की अलग ही पूरी एक क्लास लेके आएंगे, उसमें सारा एक्सटेंशन आपको कवर करवा देंगे, क्लियर। चलो अपन बात करते हैं आगे, एक्सटेंशन की बात हो गई, ऐसे ही एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है टेम्पलेट फाइल, टेम्पलेट फाइल की बात करते हैं अपन, टेम्पलेट, टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन, टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन, टेम्पलेट फाइल वो फाइल है जो पहले से ही बनी हुई है, उसको आप आसानी से एडिट करके अपना वर्ड डॉक्यूमेंट बना सके, मतलब पहले से ही कोई डॉक्यूमेंट बना है फिर उसको आप एडिट करके अपना डॉक्यूमेंट का कार्य कर सके, थोड़ा बहुत बदलाव करके, मतलब आपको ऐसे नहीं कि शुरू से पूरा नया डॉक्यूमेंट बनाएगा, आपको आधा डॉक्यूमेंट तैयार मिलेगा उसको आपको मॉडिफाई करना है, उसमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कोई चेंजेज करके आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो। तो टेम्पलेट फाइल के बारे में थोड़ी सी बात कर ले, टेम्पलेट फाइल पूछा जाता है, टेम्पलेट फाइल अधीनस्थ बोर्ड में भी संगणक की एग्जाम में पूछा गया था कि टेम्पलेट क्या होते हैं, पहले से ही जो बनी हुई फाइल है, पहले से बना, पहले से बना डॉक्यूमेंट, फाइल कह दो या डॉक्यूमेंट कह दो, पहले से ही बना डॉक्यूमेंट जिसे
एडिट करके या मॉडिफाई जिसे एडिट करके या मॉडिफाई करके नया डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, नया डॉक्यूमेंट बनाया जाता है वो क्या कहलाती है? अपनी टेम्पलेट फाइल। ठीक है, अब टेम्पलेट फाइल के एक्सटेंशन की बात करें जो एग्जाम में पूछा जाता है भाई टेम्पलेट फाइल, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना कि भाई डॉट डीओसी आपको याद है ना, डॉट डीओटी ये टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है, और डॉट डीओटी तो था 2003 तक, ठीक है, और जो डॉट DOTX लग गया इंटरनेट पर चलाने के लिए वो 2007 से लागू हुआ। कब से? 2007 से जो एक्सटेंशन में परिवर्तन किया गया, जो 2007 के जो वर्जन थे उससे। तो आपको क्लियर है यहां टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन, तो फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। अभी जो कल एग्जाम हुआ था ना सीईटी का, यहां से फाइल एक्सटेंशन का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया कि जीआईएफ फाइल एक्सटेंशन किस प्रकार का है, ग्राफिक फाइल एक्सटेंशन के लिए कौन सी है, तो उसके लिए अपन अलग से पूरी क्लास लेके आएंगे फाइल एक्सटेंशन कौन से कितने प्रकार के हैं। बाकी टॉपिक में तो अपन इनको क्लियर करेंगे ही, ठीक है। एक और फाइल होती है एमएस वर्ड में मैक्रो फाइल, मैक्रो फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहां से भी क्वेश्चन आता है मैक्रो फाइल क्या होती है भाई? ऐसी फाइल जिसको आप रिकॉर्ड कर सको, मतलब वर्ड का ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे आप क्या कर सको, रिकॉर्ड कर सको। मतलब आप जैसे कट कॉपी करते हो, अगर आप उसे दूसरे दिन काम में लेना चाहो तो वो नहीं ले सकते। अगर आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में मैक्रो बना लेते हो, मतलब आज का जो आपने कट कॉपी सारा जो टाइपिंग की है उसको आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो। अब अगर आपको कल वही काम करना है तो आप उसे वापस ला सकते हो क्योंकि आपने बना दिया मैक्रो, ठीक है। तो मैक्रो फाइल एक्सटेंशन DOM, ठीक है, DOM 2003 तक तो था ये, ठीक है, डॉट DOM X 2007 से हो गया ये। तो MS Word की जो मैक्रो फाइल है उसका एक्सटेंशन ये होता है। क्लियर आपको दोनों चीजें? तो ये अपने थे MS Word के फाइल एक्सटेंशन। आगे और अपन बात करते हैं, MS Word ओपन करना, ठीक है, MS Word को ओपन कैसे करते हैं भाई? MS Word जो डॉक्यूमेंट है इसको ओपन करने का तरीका भी पूछा जाता है। अभी वीडियो एग्जाम हुई थी 2021 में, ठीक है, और उसमें 27 दिसंबर को जो पेपर हुआ था फर्स्ट पारी में, वही क्वेश्चन पूछा गया था कि MS Word को ओपन करने का रन कमांड। तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एमएस ऑफिस से, अगर आप एलडीसी की ये तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपको काम यही करना है वहां, तो एग्जामिनर ऐसे ही टॉपिक पूछेगा आपको क्योंकि आपको उनका नॉलेज है कि नहीं है, समझ में आई बात? तो आपको ये टॉपिक इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, ठीक है। एमएस वर्ड को ओपन करना, दो तरीके हैं इसको ओपन। तो पहले बात करते हैं रन बॉक्स के माध्यम से, रन बॉक्स के माध्यम से भाई किसी डॉक्यूमेंट को आप अगर रन बॉक्स के माध्यम से ओपन करना चाहते हो, मतलब उसको जल्दी ओपन करना चाहते हो, तो वो कहलाता है रन बॉक्स।
ठीक है, रन बॉक्स के माध्यम से किसी डॉक्यूमेंट को रन बॉक्स के माध्यम से ओपन करना, मतलब हो गया इसका रन कमांड के माध्यम से, ठीक है, रन कमांड के माध्यम से किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना, ठीक है। एमएस जो वर्ड होता है उसका रन कमांड की बात करते हैं भाई अपन, एमएस वर्ड का जो क्वेश्चन पूछा गया उस पे चलते हैं। तो पहले रन बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की, रन बॉक्स, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है विंडो की, ठीक है, पूरा नाम ही लिख देते हैं इसका, विंडो लोगो की प्लस आर। जैसे ही आप दबाओगे विंडो लोगो की प्लस आर, क्या ओपन हो जाएगा? रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऐसा एक बॉक्स आपकी स्क्रीन पे प्रदर्शित होगा, और उसमें यहां आपको लिखना पड़ेगा कुछ, जो उसका रन कमांड है वो आपको टाइप करना पड़ेगा। यहां ओके का बटन होता है, ठीक है, यहां कैंसिल कर सकते हो आप, यहां ब्राउज का बटन होता है, ठीक है। अब यहां अपन एमएस वर्ड का रन कमांड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं एमएस वर्ड, तो उसी का रन कमांड, ठीक है। एमएस वर्ड का जो रन कमांड है वो है विन वर्ड। क्या है? विन वर्ड। या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं अपन, विन वर्ड, ठीक है, और एक और या पूरा नाम भी लिख सकते हैं विन वर्ड डॉट ई एक्स ई, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये, इसलिए अपन ई एक्स ई लगाते हैं। तो एमएस वर्ड का रन कमांड क्या हो गया? डॉट ई एक्स ई, विन वर्ड डॉट ई एक्स ई या विन वर्ड, ठीक है। तो ये एमएस वर्ड का रन कमांड है भाई, एमएस वर्ड का रन कमांड, एमएस वर्ड रन कमांड है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया भाई एमएस वर्ड का रन कमांड, तो आपको ध्यान में रखना है ये कि भाई क्या होता है इसका, ठीक है। जो आपकी वीडियो एग्जाम हुई थी ना, वीडियो प्री एग्जाम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, वीडियो प्री एग्जाम 2021, तारीख भी बता दें आपको, 28 तारीख को आया था फर्स्ट पारी में। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई उसका रन कमांड क्या है, उसको ओपन करने का तरीका क्या है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, दूसरा जो तरीका है वो इजी तरीका है, जैसे स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, फिर एमएस ऑफिस का चुनाव कर लिया, फिर वैसे खोल सकते हो। तो कई तरीके हैं इसको ओपन करने के, ठीक है, पर एग्जाम के दृष्टिकोण से यह इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ठीक है। जैसे ही आपने एमएस वर्ड ओपन किया, आपको स्क्रीन पे एक पूरा का पूरा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाई देगा ओपन होते ही, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करते हो तो वो जो विंडो दिखाई देती है वो कहते हैं वर्ड विंडो। तो पहली ही लाइन लिखते हैं अपन, एमएस वर्ड ओपन होते ही पहली विंडो, एमएस वर्ड ओपन करते ही पहली विंडो वर्ड विंडो कहलाती है, वर्ड
विंडो कहलाती है। एमएस वर्ड आपने जैसे ही ओपन किया, सबसे पहली वाली जो विंडो होगी ना, वो वर्ड विंडो कहलाएगी भाई। कौन सी विंडो कहलाएगी? वर्ड विंडो कहलाएगी वो। ऐसे ही आपको विंडो दिखाई देगी स्क्रीन पे, ठीक है। तो अपन वैसे टेब में अपन डिजिटली भी इसको पढ़ लेंगे, पर अभी आपको थोड़ा सा समझा दें, ठीक है। यहां लिखा होता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट, वर्ड का जो डॉक्यूमेंट फाइल है, जो डिफॉल्ट रूप से जो नाम होता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट, यहां बटन होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये बटन होते हैं यहां, ठीक है। ये होती है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। यहां सेव, अंडू, रीडू, ठीक है। और एक बटन होता है कस्टमाइज, कस्टमाइज टूल बार। तो ये वाले बटन भी पूछे जाते हैं कि भाई ये कौन सी बार है। क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में कौन से बटन होते हैं? कल ही एग्जाम में सीटी में क्वेश्चन आ गया था कि कौन से बटन का क्या कार्य है, अंडू का क्या काम है, रीडू का, ठीक है। ये वाले बटन की बात करते हैं, सेव का काम करता है। ये वाला सेव करेगा, ये करेगा रीडू, और ये करेगा अंडू, ठीक है। अब आगे अपन बात करें इसकी, यहां इसका ये वाला भाग है ना, ये पट्टी, ये कहलाती है रिबन। और रिबन को 2007 में जोड़ा गया। रिबन बार को कब जोड़ा गया? 2007 में। इस रिबन पर मेन्यू होते हैं, मेन्यू कह दो, ठीक है, या टेब कह दो। रिबन पर क्या होते हैं? टेब होते हैं, जैसे फाइल टेब, होम टेब, इंसर्ट, लेआउट, डिजाइन, ठीक है, रेफरेंस, मेलिंग, मेलिंग और नाम लिख देते हैं, रिव्यू, रिव्यू, व्यू, ऐसे इसमें कई प्रकार के टैब होते हैं। जो एमएस वर्ड का जो डिफॉल्ट टैब है वो होता है होम। होम क्या है? डिफॉल्ट टैब, डिफॉल्ट मेन्यू कह दो या टैब कह दो, एक ही बात है। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट टैब कौन सा होता है? होम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं कि डिफॉल्ट टैब कौन सा है, ठीक है। वन बाय वन अपन इसका डिजिटली आपको दिखा के पूरी चर्चा करेंगे कौन सा मेन्यू होता है। यहां बार होती है स्टेटस बार, जहां पे दिखाई देते हैं पेज नंबर, कितने शब्द आपने टाइप किए, वर्ड की संख्या, ठीक है, लाइन्स, आपने कितनी लाइन टाइप की है, आपने कितने कैरेक्टर टाइप किए हैं, सारों की संख्या यहां दिखाई देती है, ठीक है। ये वाली बार होती है जूम बार, ठीक है। यहां कौन सी बार होती है? जूम बार। मिनिमम जूम 10%, मैक्सिमम जूम 500%, डिफॉल्ट जूम 100%, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि एमएस वर्ड का मिनिमम जूम कितना है, मिनिमम जूम, और ये 500 क्या हो गया मैक्सिमम जूम, और ये पूरी की पूरी बार क्या हो गई, जूम बार। तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, मिनिमम मैक्सिमम, वर्ड का अधिकतम जूम 500, मिनिमम 10, और डिफॉल्ट क्या हो गया 100 क्या है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट जूम है। और ये जो पूरी विंडो है खाली स्क्रीन, इसे कहते हैं वर्ड विंडो। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमने जो पढ़ा है ये है वर्ड का इंटरफेस, बस वर्ड इंटरफेस है एमएस वर्ड
इंटरफेस है, आपका जो एमएस वर्ड है वो दिखता कैसा है, ये इसका इंटरफेस है पूरा ये स्क्रीन, ठीक है। अब आगे अपन इसके वन बाय वन टैब की बात करेंगे, होम, फाइल, इंसर्ट, ठीक है, लेआउट, डिजाइन, रेफरेंस, मेलिंग, सब की बात करेंगे विस्तार से जहां क्वेश्चन आते हैं। क्लियर सभी को? तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसके सारे की टैब की। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। परम सर का कोर्स खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।